हाय गाइस, आप सभी का स्वागत है प्रो ब्लॉगिंग आइडिया यूट्यूब चैनल पे। आज के वीडियो में मैं आप सबको बताऊंगा कि आप अपने वर्डप्रेस वेबसाइट वर्डप्रेस ब्लॉग से मालवेयर वायरस कैसे रिमूव कर सकते हैं। वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। वीडियो संबंधित कोई भी सुझाव हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। स्पेशली अगर आप एक बिगिनर हैं और वर्डप्रेस में ब्लॉग वेबसाइट बनाना चाहते हैं तो वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। ये वीडियोस में मैं आप सबको एक प्लगइन्स बताऊंगा जिसके मदद से आप अपने वर्डप्रेस वेबसाइट को डे वन से ही सिक्योर कर सकते हैं। वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। ऐसे और भी नया वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल प्रो ब्लॉगिंग आइडिया को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आप हमें इंस्टाग्राम में भी फॉलो कर सकते हैं। हमारा इंस्टाग्राम का लिंक वीडियो का डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। गाइस, वेबसाइट के सिक्योरिटी के लिए एक अच्छा वेब होस्टिंग होना जरूरी होता है, तो यहाँ पे मैं आप सबको रिकमेंड करता हूँ होस्टिंगर। होस्टिंगर का कोई भी होस्टिंग प्लान आप लेते हैं तो आपको फ्री SSL सर्टिफिकेट मिलता है, जिससे आपका वेबसाइट में सिक्योरिटी का कोई इशू नहीं आएगा। दूसरी चीज़, आपको 365 डेज इनका सपोर्ट आपको यहाँ पे मिल रहा है। 30 डेज मनी बैक गारंटी भी होस्टिंगर प्रोवाइड करता है। अगर आपको इनका होस्टिंग पसंद नहीं आता है तो आप 30 डेज में कभी भी रिफंड ले सकते हैं। यहाँ पे आपको डिफरेंट प्लान्स अवेलेबल है होस्टिंगर में। आप अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से प्लान सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको एक वेबसाइट बनाना है तो सिंगल होस्टिंग प्लान ले सकते हैं। अगर आपको मल्टीपल वेबसाइट बनाना है तो यहाँ पे बेस्ट वैल्यू प्लान्स आप ये प्लान्स के साथ जा सकते हैं। होस्टिंगर के सारे प्लान्स के ऊपर अभी फिलहाल डिस्काउंट चल रहा है, पर अगर आपको ये डिस्काउंट प्राइस के ऊपर भी एक्स्ट्रा डिस्काउंट चाहिए तो मैं आपको एक कूपन कोड दूंगा। उस कूपन कोड को आप यूज कर सकते हैं। मान लीजिए अगर मैं यहाँ पे 12 मंथ के लिए अगर ये प्लान्स लेता हूँ तो 12 मंथ के ऊपर मैं जैसे सेलेक्ट करता हूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका जो एक्चुअल प्राइस इंक्लूडिंग टैक्स आफ्टर डिस्काउंट शो हो रहा है 3242। पर मैं आपको एक कूपन कोड दूंगा, उस कूपन कोड को जैसे आप अप्लाई करेंगे तो आपको और भी एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा। कूपन कोड है ब्लॉग एक्सपर्ट। ये कूपन कोड को यूज करने के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है, डिस्काउंट लिंक। आपको उस लिंक के ऊपर क्लिक करना है। जैसे आप वो लिंक के ऊपर क्लिक करेंगे तो पेमेंट के टाइम पे आपको ये कूपन कोड को यूज़ करना है तो ही अप्लाई होगा। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे एक्स्ट्रा डिस्काउंट और भी आपको मिल चुका है। अगर आपको भी एक्स्ट्रा डिस्काउंट चाहिए तो वीडियो को डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है, डिस्काउंट लिंक, आप उस लिंक के ऊपर क्लिक करिए और पेमेंट के टाइम पे ब्लॉग एक्सपर्ट कूपन कोड को यूज़ कर लीजिएगा। आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट और भी मिल जाएगा। वर्डप्रेस ब्लॉग वेबसाइट से मालवेयर वायरस रिमूव करने के लिए हमें एक प्लगइन्स को इंस्टॉल करना होगा। तो सबसे पहले आप अपने वर्डप्रेस डैशबोर्ड लॉगिन होके प्लगइन सेक्शन में आ जाइए और एक प्लगइन्स को इंस्टॉल कर लीजिए जिसका नाम है वर्डफ्रेंड्स। आप सर्च बार में जाके वर्डफ्रेंड्स सर्च करिए या तो फिर मालवेयर लिखकर सर्च करिए, आपके सामने ये प्लगइन्स आ जाएगा। प्लगइन्स को आपको सिंपली इंस्टॉल करना है और एक्टिवेट करना है। 4.5 का ये प्लगइन्स का रेटिंग है, 4 मिलियन प्लस इसका एक्टिव इंस्टॉलर है और ये 1 मंथ पहले ही ये प्लगइन जो है अपडेट हुआ है। जब आप ये प्लगइन्स को इंस्टॉल कर लेंगे तो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में ये प्लगइन्स का ये डैशबोर्ड आपको शो होगा। यहाँ पे आपको सिंपली क्लिक करना है डैशबोर्ड में और यहाँ पे आपको कुछ सेटिंग करना है, मैं आपको ये वीडियो में बताऊँगा। वीडियो लंबा हो सकता है, वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए क्योंकि मैं आपको ये वीडियो में पूरा डिटेल्स में बताऊँगा आपको कैसे ये प्लगइन्स को इंस्टॉल करना है और आपके वेबसाइट में अगर वायरस है तो कैसे रिमूव करना है। वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा और चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। यहाँ पे आपके सामने दो ऑप्शन शो हो रहा है, एक फायरवॉल और स्कैन। ये दोनों सेटिंग आपको करना है तो मैं आपको बताऊँगा कैसे ये सेटिंग करना है। तो सबसे पहले आपको मैनेज फायरवॉल में जाना है। यहाँ पे आपको जो भी डिफ़ॉल्ट सेटिंग दिख रहा है ये सारे चीज़ एज इट इज़ रहने दीजिए, इसमें कोई चेंजेस मत करिए। यहाँ पे बोट फोर्स प्रोटेक्शन का जो ऑप्शन है यहाँ पे आप जाइए और यहाँ पे आपको पूछा जा रहा है कि अगर कोई यूजर आपके वेबसाइट में गलत आईडी पासवर्ड से लॉगिन करना चाहता है तो उसको कितने बार में आप ब्लॉक करना चाहते हैं। तो यहाँ पे आपको 2 times आप सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर यहाँ पे मिनिमम जो है आपको 2 times रहता है, मैक्सिमम आपको 500 times तक होता है। तो मैं आप सबको हाईली रिकमेंड करता हूँ 2 times को ही आप सेलेक्ट करिए। देन इसके बाद यहाँ पे आपको पूछा जा रहा है कि आप यूज़र को कब तक ब्लॉक करना चाहते हैं। मिनिमम 5 minutes है और मैक्सिमम 1 day का ऑप्शन आपको यहाँ पे शो होगा, तो आप अपने हिसाब से यहाँ पे टाइम सेलेक्ट कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे 4 hours का सेलेक्ट किया है तो आप अपने हिसाब से यहाँ से टाइम सेलेक्ट कर सकते हैं। देन आपको यहाँ पे जो भी बाकी जो डिफ़ॉल्ट सेटिंग है सब कुछ एज इट इज़ रहने देना है, कोई चेंजेस करने की ज़रूरत नहीं है। फिर आपको यहाँ पे सेव चेंजेस में आप क्लिक कर दीजिए। अब हम आते हैं स्कैन सेटिंग के ऊपर। यहाँ पे मैनेज स्कैन के ऊपर आपको क्लिक करना है।
फिर आपके सामने ये चार ऑप्शन शो होगा, लिमिटेड स्कैन, स्टैंडर्ड स्कैन, हाई सेंसिटिव स्कैन और कस्टम स्कैन। मैं आपको हाईली रिकमेंड करता हूँ हाई सेंसिटिव के ऊपर आपको क्लिक करना है और इसको सेव चेंजेस कर दीजिएगा। देन यहाँ पे उसके नीचे जो भी डिफॉल्ट सेटिंग है सब एज इट इज रहने दीजिए, उसमें कोई चेंजेस करने की ज़रूरत नहीं है। परफॉर्मेंस ऑप्शन में यहाँ पे ये जो बॉक्स शो हो रहा है इसको टिक मार्क कर दीजिए। इससे ये होगा कि जब भी ये प्लगइन्स आपके वेबसाइट को स्कैन करेगा तो आपके सर्वर के ऊपर कोई प्रेशर नहीं जाएगा, आपके सर्वर में कोई आपको लोड टाइम नहीं पड़ेगा। तो इसके बाद ये टिक मार्क करने के बाद सेव कर दीजिए और बाकी यहाँ पे जो भी आपको डिफॉल्ट सेटिंग है वो सारे चीज एज इट इज रहने दीजिए, उसमें कोई चेंजेस करने की ज़रूरत नहीं है। ये दोनों सेटिंग हो जाने के बाद आपको यहाँ पे स्कैन का ऑप्शन आता है, यहाँ पे आपको क्लिक करना है और स्कैन के ऊपर आपको जैसे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको स्टार्ट न्यू स्कैन का ऑप्शन शो होगा, यहाँ पे आपको क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपको वेबसाइट को ये प्लगइन जो है फुल्ली स्कैन करेगा और क्या क्या चीज़ चेंजेस करना है, कहाँ पे वायरस है, ये सारी चीज़ आपको बता देगा। तो यहाँ पे स्टार्ट न्यू स्कैन के ऊपर आप क्लिक करिए। सो जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे हमारा वेबसाइट का स्कैन रिपोर्ट आ चुका है, यहाँ पे ये प्लगइन्स ने हमारे वेबसाइट को फुल्ली स्कैन कर लिया है। तो यहाँ पे कोई भी चीज़ में मालवेयर वगैरह तो नहीं शो कर रहा है, लेकिन यहाँ पे दो अलर्ट हमें दे रहा है कि दो प्लगइन्स हैं हमारे वेबसाइट में जिसका हमने अपडेट नहीं किया है, तो प्लगइन्स का अपडेट के लिए हमें रिकमेंड कर रहा है ताकि जब भी आपका वेबसाइट में जो प्लगइन्स वगैरह रहता है उसे आपको हमेशा अपडेट करना चाहिए थीम और प्लगइन्स का, उससे भी आपको मालवेयर वायरस आपके वेबसाइट में आते हैं। तो यहाँ पे हमें दो प्लगइन्स अपडेट करने के रिकमेंड कर रहा है, तो मैं सिंपली जाता हूँ अपने वेबसाइट में प्लगइन सेक्शन में और उस दोनों प्लगइन्स को अपडेट कर देता हूँ। और अपडेट करने के बाद फिर मैं आपको दोबारा से स्कैन करके मैं आपको दिखाता हूँ कि ये एरर उसमें शो हो रहा है कि नहीं। तो यहाँ पे मैं प्लगइन्स में गया, जैसे कि हमें वहाँ पे बता रहा था दो अपडेट पेंडिंग है, तो यहाँ पे ये अपडेट कर दिया मैंने और दूसरा ये वाला प्लगइन्स, दोनों को मैं अपडेट कर देता हूँ। ये दोनों अपडेट हो जाने के बाद फिर से हम स्कैन करके देखते हैं और हमें पता चल जाएगा कि हमारे वेबसाइट में और कोई तो प्रॉब्लम है कि नहीं। तो फिर से स्कैन में जाते हैं और स्टार्ट न्यू स्कैन पे फिर से मैं क्लिक करता हूँ और मैं दोबारा से वेबसाइट को स्कैन करके चेक करता हूँ कि और कोई हमारे वेबसाइट में कोई इशू है कि नहीं, आपको सारी चीज़ अभी पता चल जाएगा। सो गाइस, जैसे कि यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि दो जो यहाँ पे अलर्ट आ रहा था वो हमने फिक्स कर दिया है, दो जैसे हमने दोनों प्लगइन्स को अपडेट कर दिया है तो ये प्रॉब्लम भी हमारा सॉल्व हो चुका है। तो अभी फिलहाल हमारा साइट पूरा नीट एंड क्लीन है, कोई इशू नहीं है। अगर आपके साइट में कोई भी इशू रहता है तो यहाँ पे आपको बता देता है और उसको कैसे फिक्स करते हैं उसका गाइड भी आपको उसी पे मिल जाता है। सो आप लोग भी ये प्लगइन्स को इंस्टॉल कर लीजिए और इसको सेटअप कर लीजिए अपने वेबसाइट में। ये प्लगइन्स के मदद से आप अपने वेबसाइट का सारे प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं और आपके वेबसाइट में अगर कोई मालवेयर वायरस अटैक हो रहा है तो भी आपको ये प्लगइन जो है वो मालवेयर से बचाता है। यहाँ पे अगर आप टूल्स में जाते हैं तो टूल्स में आपको एक ऑप्शन मिलता है कि आपके वेबसाइट में कितने अटैक्स हो रहे हैं, वो सारी चीज़ आप यहाँ पे देख पाएंगे और ये प्लगइन जो है वो सारे अटैक को ऑटोमेटिकली ब्लॉक कर देता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे डेली कितना अटैक्स आ रहा है बोट के थ्रू और ये प्लगइन सारे अटैक को ब्लॉक करता है। तो ये प्लगइन बहुत ही अच्छा प्लगइन है, अगर आपने अभी तक इंस्टॉल नहीं किया है तो ज़रूर इसको इंस्टॉल कर लीजिए और अपने वेबसाइट को मालवेयर वायरस से प्रोटेक्ट करिए। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। वीडियो रिलेटेड कोई भी अगर आपका सुझाव है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। आप हमें इंस्टाग्राम में भी फॉलो कर सकते हैं, हमारा इंस्टाग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। सो अगले वीडियो में मिलेंगे और एक नया इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रख लीजिए। बाय बाय एंड टेक केयर।